सो हे गाइस, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये आज इरेज क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको याद रहे हमने यहाँ पे एंड किया था और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को देखा था। ठीक है, कौन सी चीज़ें हमने देखा था? हेलो एल्केन्स को, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में हमारा ये थर्ड ग्रुप था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मेरी रह गई थी बतानी कि हमने यहाँ जो एक्स लिखा है बिल्कुल ऐसे ही ये पूरे हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कैसे? तो हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्काइल ग्रुप R करके हम रिप्रेजेंट करते हैं और X हो गया हेलो। तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मुझे एक एग्जाम्पल और देना था कि ये अगर हेलो एल्केन है तो हेलो एरिन्स भी होते हैं। तो ये हेलो एरिन्स क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल होगा, बट वहीं बस सिर्फ सेकेंड वाले को इरेज करके हम वहाँ लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं हेलो एरिन्स को। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ वो है, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था एलिफैटिक और साइक्लिक, तो उसमें हमने एक बेंजीन वर्ड पढ़ा था, बेंजीनॉइड करके कंपाउंड था, उसमें हमने बेंजीन नाम पढ़ा था। ये वो इस बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये वही वाला कंपाउंड है जो एरोमा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से, कार्बन कार्बन कार्बन, टोटल 6 कार्बन इन हेक्सागन। ठीक है, एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन देम, हर कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं C6H6 या बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अगर हमने कार्बन नहीं लिखा है, हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो ये डायग्राम इतना ही सफिशिएंट है बताने के लिए कि ये जो कॉर्नर्स है इन कॉर्नर्स पे कार्बन है और कार्बन की बची हुई जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की गई है। तो डायरेक्टली अंडरस्टूड है, ये एक तरीका है, या फिर हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है वो रोटेटिंग है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसे हम क्या कहते हैं। तो ये भी बेंजीन है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बेंजीन का। अब मान लेते हैं कि इनमें से अगर कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह पे कोई हैलोजन, मान लीजिए ब्रोमीन आ जाता है, तो क्या होगा? तो ये होगा ब्रोमो बेंजीन, दिस इज नोन एज ब्रोमो बेंजीन, या इन सिंपल टर्म्स हम इसे हेलो एरिन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलो एरिन। जिस तरह से ये हेलो एल्केन है उसी तरह से ये हेलो एरिन है। हेलो इज फॉर हेलोजन एटम एंड एरिन फॉर बेंजीन। तो इसे हम कहते हैं, इसका जो प्रॉपर नाम है ब्रोमो बेंजीन। आई थिंक ये विजिबल है लास्ट तक, राइट? ब्रोमो बेंजीन। और ये तो हुआ IUPAC नेम। ठीक है, तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये IUPAC है, ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? इसका कॉमन नेम होगा बेंजाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ। ये IUPAC है और कॉमन नेम है बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे बेंजीन से रिलेटेड। तो हम जो भी फंक्शनल ग्रुप आगे देखेंगे वो सभी फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन से भी रिलेट करना है, इसीलिए ये मैंने यही इस बोर्ड पे रहने दिया था। अब तीन तो हमारे हो गए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, द नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल।
ठीक है, इसका एक नाम और है, अल्कोहल का एक नाम और है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा अल्केन के साथ OH, ठीक है, जब हम OH को अटैच करेंगे तो ये OH जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है अल्कोहल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये किससे अटैच होता है, तो अल्केन के साथ अटैच होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम इथेनॉल ही ले लेते हैं, क्लियर, C2 में हमारे पास H6 होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 6 हाइड्रोजन तो ड्रॉ करूंगी, लेकिन अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे OH लगा दिया, क्या किया मैंने, OH लगा दिया, तो OH लगाने के वजह से ये हो जाता है अल्कोहल, ये हो जाएगा एक अल्कोहल, और इसका नाम हम दो तरीके से लिखेंगे, एक होगा IUPAC और दूसरा होगा कॉमन नेम, ठीक है। तो जो IUPAC नेमिंग है वो होगा इथेन और लास्ट में सफिक्स लगेगा OL, ठीक है, तो ये लगेगा इथेनॉल, ठीक है, इसे हम लिखेंगे इथेनॉल करके, IUPAC में हम लिखेंगे इथेनॉल, यानी इन जनरल इसका क्या नाम होना चाहिए, अल्कनॉल, ठीक है, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। वहीं पर जो कॉमन नेम है उसके हिसाब से होगा ये इथाइल, दो कार्बन है इसीलिए ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा इन कॉमन नेमिंग। एंड आई होप इट इज विजिबल ना, ओके, नो प्रॉब्लम, सो आई विल राइट इट अगेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IUPAC एंड कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नाउ इन जनरल हम IUPAC का इन जनरल नाम क्या लिखते हैं, तो हम IUPAC का इन जनरल नाम लिखते हैं अल्कनॉल, यानी कि जैसे मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, जरा हम बेंजीन के लिए भी कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम बेंजीन से ले लेते हैं, तो ये हो गया बेंजीन, ठीक है, सिंपल, यानी कि हमने एकदम जनरल फॉर्मूला बना दिया बेंजीन का, ये देख के ही पता चल जाता है कि ये जो सामने है ये है बेंजीन C6H6, यानी हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां मैं OH लगा दूं, ठीक है, सी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है, वो प्री कंसिडर्ड है कि वहां है, लेकिन यहाँ के हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करके OH लगाया है। तो जब मैंने OH लगाया तो इसका एक ही नाम हमको याद रखना है, IUPAC हो, कॉमन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, दैट इज फिनॉल, एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, सो दिस इज फिनॉल, वेयर एज दीज आर द अल्कोहल्स, क्लियर। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, लेट्स मूव टू द फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट इज योर कार्बोक्सिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, फिफ्थ के जो कंपाउंड्स हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, या कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड,
या फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा बेटर वर्ड है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओके। तो इसको मैं फिफ्थ नंबर ना देते हुए एक हेडिंग दे देती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों भी आएंगे, ठीक है। तो फिफ्थ हम लिखते हैं, इसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम है अल्डिहाइड। कार्बोनिल किसे हम कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। कार्बोनिल का मतलब यहाँ कार्बन है और दोनों जगह डैश का मतलब है दोनों साइड अल्काइल हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। और इधर पे ओ, तो ये सी का डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। और ये एक्चुअली दो नहीं तीन है हमारे पास, ठीक है। एक है अल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन एंड तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इवन यू कैन पुट ईस्टर्स, ईस्टर्स भी आप डाल सकते हो इसी ग्रुप में, ठीक है। तो अल्डिहाइड का मतलब एकदम सिंपल मैंने आपको बता दिया, जहां भी आपको ये चीज दिखे वो आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में आएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। अल्डिहाइड का हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये हो गया अल्डिहाइड, ठीक है। इन जनरल हम इसे लिखते हैं सी एच ओ, हालांकि ओ किससे अटैच्ड है, ओ सी से अटैच्ड है और एच भी सी से अटैच्ड है, बट हम इन जनरल ये लिखते हैं। तो जहां भी आपको ऐसा दिखे वो एक्चुअल में अल्डिहाइड है, ठीक है। हमेशा याद रखिए एक तरफ हाइड्रोजन कंपलसरी है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। इसमें क्या क्या आएंगे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अल्डिहाइड का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो होगा H के साथ H C डबल बॉन्ड O एंड H यहाँ पे। तो इसमें एक ही कार्बन है तो हम मेथ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो IUPAC भी देखते हैं इसका और साथ ही कॉमन नेम भी देखते हैं। ठीक है, तो IUPAC इसका क्या होगा, IUPAC इसका होगा एक कार्बन है तो मेथ सी, मेथेन वर्ड पूरा आएगा, बस मिथेन का जो लास्ट का ई है ना उसे हटा करके हम इसे सफिक्स लगाएंगे, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन होगा अल्कनॉल। यहाँ पे अल्कनोल है, यहाँ पे अल्कनॉल है, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होगा मिथाइल अल्डिहाइड। अच्छा, मिथाइल अल्डिहाइड तो है ही, बट कई जगहों पे इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो आई विल राइट द नेम हियर आल्सो, फॉर्म अल्डिहाइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग में दो नाम आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक मिथाइल अल्डिहाइड। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो कुछ है और एग्जांपल्स हम इसके लेते हैं दूसरे साइड में, सो दैट आपको ये याद रहे। नाउ सेकेंड एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं हम। सी, अगर मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल एक कार्बन से लिया है तो सेकेंड एग्जांपल हम चलो तीन कार्बन से ले लेते हैं। दो कार्बन भी ले सकते हैं बट हमने बहुत बार एग्जाम्पल लिया है तो इसीलिए हम तीन कार्बन लेते हैं। तीन कार्बन कैसे लेंगे, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो क्या आप इसको देख रहे हो, हम इसको डायरेक्टली सी टू एच फाइव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड और इसका आईयूपीएसी मैं ऊपर लिख देती हूँ, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है इसका, तो आईयूपीएसी है इसका प्रोपेनॉल,
एंड कॉमन नेम है, यहां हम मेंशन कर रहे हैं तो कॉमन नेम. अच्छा ठीक है, हमको इथेनॉल का भी करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कॉमन नेम में आपको इसका आएगा प्रोपाइल अल्डिहाइड. ठीक है, और एक चीज यहाँ पे याद करने की है स्टूडेंट्स कि जो आपका कॉमन नेम, जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट या फर्स्ट कार्बन एटम पे ही रहेगा, टर्मिनल कार्बन एटम पे. ये जिस तरह से OH बीच में कहीं भी लग जाता है वैसे नहीं होगा, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम पे होगा. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड. नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल एंड दैट इज योर इथाइल अल्डिहाइड. तो कैसे हम मेंशन करें इसे? सिर्फ इसको हटा दो और यहाँ पे आपका हो गया ये इथाइल अल्डिहाइड. ठीक है, अब इसके नेमिंग में हम मेंशन कर देते हैं इस चीज को. ठीक है, तो IUPAC इसका होगा इथेनॉल एंड कॉमन नेमिंग होगा इथाइल अल्डिहाइड या फिर सी इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, कई जगहों पे इसे एसिटाल्डिहाइड नाम से जाना जाता है और काफी मशहूर होने की वजह से हमें यह याद रखना है. ठीक है, तो ये हो गया. अब जरा हम बेंजाल्डिहाइड को समझते हैं जो बेंजीन के साथ होगा. डेफिनेटली उसका नाम फिनॉल तो नहीं होगा और इतना ईजी भी नहीं होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे होगा एक कार्बन, डबल बॉन्ड उसके साथ होगा ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन. ये किसी भी कार्बन एटम को ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर सकता है, तब ये हो जाता है बेंज अल्डिहाइड. ये हो गया आपका थर्ड एग्जांपल, थर्ड नहीं फोर्थ एग्जांपल. इसमें हमने चार एग्जांपल देखे बेंज अल्डिहाइड. ठीक है, इसमें भी आप बस एक ही नाम याद रखिए, इनफ है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे अल्डिहाइड के एग्जांपल्स. ठीक है, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप. अब देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. अभी आपको कीटोन देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखना है, देन आपको ईस्टर्स देखना है, ईथर देखना है, बहुत सारे हैं. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको एकदम थरो है. अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आस्क. ठीक है, एंड सी ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है. अगर आपका यहाँ पर ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा. मैंने कईयों को इस तरह पढ़ाते हुए देखा है कि वो एकदम डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट में घुसते हैं. मैं कोई भी कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली नहीं गई हूँ, बिल्कुल उस सीरीज में गई हूँ जिससे NCERT बनता है, क्योंकि NCERT आपका मास्टरमाइंड है. ठीक है, वहीं से आपको बाइबल है, वहीं से आपको करना है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि NCERT को ही फॉलो करते हुए आप JEE और NEET तक पहुंचोगे. तो इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया. इनफैक्ट ये हर जगह इसी नाम से जाना जाता है. ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके अंदर आपको सबसे बेसिक चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी होती है. तो इसमें सबसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आपको चैप्टर आएगा हैलो अल्केन, हैलो एरेन, फिर आएगा फिनॉल्स, अल्कोहल्स, मतलब इन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आपको एक एक चैप्टर है. और जब आप 12th में जाते हो ना तब ये चैप्टर्स आपको मिलते हैं, जब JEE NEET में आप फर्दर स्टडी करते हो तो वो सबको समझने के लिए ये बेस की बहुत ज़रूरत है. तो इसीलिए जितना कुछ भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ और जो भी आपके लिए नेसेसरी है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप प्लीज़ इसे नोट करती जाइए. जितना भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए. जब हमारा लाइव सेशन होगा उसमें सब कुछ पूछ के लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो. तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स हमने देखे. अभी हमने कुछ ही फंक्शनल ग्रुप किए, इसके आगे हम कीटोन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे नेक्स्ट सेशन में. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है.
तो इसी के साथ आई विल वाइंड अप द सेशन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय.